जिनके यहाँ पे सब्जी लेने जाते हैं बाजार में, उनके बेटे आज ऑफिसर बनते हैं। 4 दिन बाद पेपर है। हाँ। तुम अभी आ रहे हो, अपन क्या कर सकता हूँ। उस दिन उस वक्त बहुत मतलब मायूस हो गए थे कि कैसे क्या ये छोड़ सकता है, क्योंकि जो पैसा उन्होंने जुटाया था वो बहुत अलग अलग जगह से जुटाया था, वो बहुत लोनली। मैं आज बोलने वाली थी कि अभी देख ले कुछ जॉब वगैरह कर सकता है तो। अरे हाँ। तो उसी दिन रिजल्ट आ गया। एक्चुअली हम अवेयर नहीं थे मेंस के क्वेश्चन से, क्योंकि प्री और मेंस में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। स्ट्रगल करते वक्त एंजॉय मत करो, स्ट्रगल को एंजॉय करो। कि बीएस की अपनी जो बुक्स है, सर इससे अच्छा कंटेंट नहीं है सर। हम बोलते हैं कि हमारा डिसीजन गलत है, तुम्हारा डिसीजन गलत नहीं है, तुम्हारा एग्जीक्यूशन गलत है। मोटिवेशन 10 मिनट तक रहता है, इंस्पिरेशन 20 मिनट तक रहता है। तुम डिसिप्लिन में रहे, तेरा सब कुछ हो जाएगा। अरिथमेटिक का बहुत अच्छे क्लासेस हुए थे। मोस्टली क्या होता है, बच्चे सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। वेलकम बैक टू बीएस एजुकेशन चैनल, मैं अखिल कस्तूरकर आपका मेंटर एक नई कहानी के साथ वापस आया हूँ। लोग कहते हैं गरीबी की वजह से ही मैं सीख नहीं पाया, मेरे पास प्रॉब्लम थे, मेरे घर में जिम्मेदारियाँ थी, इसके वजह से मैंने सीख नहीं पाया। ये सारे एक्सक्यूजेस लगते हैं। जब कुछ कहानी ऐसी उभर के आती है जो आपको भी सुनने के बाद आपको भी ये सब एक्सक्यूजेस लगने लगेंगे। एक जिनके यहाँ पे सब्जी लेने जाते हैं बाजार में, उनके बेटे आज ऑफिसर बनते हैं, उनकी कहानी। उस कहानी में एक बाप का सपोर्ट एक बेटे को, और वो जहाँ पे वो हर वक्त उन्हें सपोर्ट करने को तैयार है, ये कहानी कैसी रंग लाई। ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट और बहुत ही क्यूट है, ऑलवेज की स्माइल रखते हैं अपने चेहरे पे। इनके बारे में कहानी सुनेंगे, इनकी आज एक कि इनके सिलेक्शंस कैसे हुए, आज यहाँ तक कैसे पहुँचे, इनकी बैक स्टोरी क्या थी, पास्ट हो रही, प्रेजेंट, अभी फ्यूचर क्या रहने वाला है। सो वेलकम आदित्य सर टू द स्टूडियो। थैंक यू सर। एंड प्लीज आप इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करें। मैंने बीकॉम किया है और मेरा बीकॉम धनवटे नेशनल कॉलेज से हुआ है। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में पापा है, मम्मी है, 3 बहनें हैं, तीनों की शादी हुई है। पापा का सब्जी का बिजनेस है, सब्जी बेचते हैं, और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, ओके। सो अब मुझे बताइए आपकी क्या जर्नी थी, आफ्टर 12th आपकी जर्नी कैसी थी? सर 12th के बाद मैंने मर्चेंट नेवी के लिए गया था। मर्चेंट नेवी में वो छोड़ा। हाँ। फिर बाद में सर बीकॉम करने के लिए मतलब चूज किया। मर्चेंट नेवी छोड़ा मतलब क्या हुआ, मतलब क्या उसमें आपने ज्वाइन किया था? हाँ, एक्चुअली मैंने डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस ये कोर्स किया था। अच्छा। उसमें गोल्ड मेडल्स भी था मैं। ओके। फिर उसमें सर एक्चुअली फिनेंशियल कंडीशन खराब होने के बावजूद भी पापा ने पैसे लगाए थे कि बच्चा कुछ करेगा करके। अच्छा। तो कितने लगाए थे क्या सर? 10 लाख अराउंड ऐसे। अच्छा। कुछ तो लगे थे। ओके। और फिर मुझे वो कोर्स ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगा कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है करके। मर्चेंट नेवी। अच्छा, तो गए क्यों थे फिर आप? सर तो वो दोस्त था एक कि उसके फ्लो में मैं गया था। अरे तो फिर दोस्त अभी भी घर आते आने देते के पापा की अभी भगा देते? नहीं नहीं आते, वो मर्चेंट नेवी में सर अभी। अच्छा, ओके, ग्रेट। हां, तो फिर बाद में जब लगा कि मुझे ये फील्ड मेरे लिए नहीं है जी, तो मैंने कोशिश की कि घर पे कैसे बताऊँ, ये बहुत बड़ा स्टेप था मेरे लिए। फिर बहुत दिन तक मैं अब खुद में दबा के रखा था ये बात। फिर एक दिन था गुरु पूर्णिमा का दिन, मम्मी मेरे को हमेशा बोलती थी कि तेरे को छोड़ना है तो छोड़ दे करके, घर पे ही रहे, कम कमा लेकिन हमारे साथ तो रहेगा। दादाजी और दादी भी थी तब। अच्छा। तो एक रहता है कि घर में लड़का रहता है तो अलग फील होता है उनको। तो फिर मैंने बहुत हिम्मत करी, वो गुरु पूर्णिमा का दिन था, उस दिन मैंने बोला मम्मी को ऐसे ही कि मम्मी मैं छोड़ दूँ क्या ये फील्ड? तो मम्मी हाँ बोली। तो मैंने फिर एक बार कन्फर्म कर सच में छोड़ दूँ क्या, क्यों तेरी इच्छा है क्या बोले, मैं बोला हाँ बोला अभी तो अभी इच्छा है, बोला कि नहीं कर पाऊँगा मैं करके। तो फिर छोड़ दिया। फिर पापा उस दिन उस वक्त बहुत मतलब मायूस हो गए थे कि कैसे क्या ये छोड़ सकता है, क्योंकि जो पैसा उन्होंने जुटाया था वो बहुत अलग अलग जगह से जुटाया था, वो बहुत लोन लेके जुटाया था, फिर कैसे तू ऐसे सोच सकता है। पापा ने कुछ बोले नहीं मुझे, आज तक पापा ने कभी डांटा भी नहीं है। पापा कुछ भी नहीं बोलते थे मुझे, तुझे क्या करना है तू कर, तो हमेशा मुझे सपोर्ट करते। तो फिर मैंने फील्ड छोड़ दी और एक भरोसा दिया कि आधे पैसे तो भी हमको वापस मिल जाएंगे करके। तो फिर एक क्वेश्चन था कि आगे क्या करना है। अभी एक बड़ा डिसीजन मैंने लिया था और एक मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया मेरे जीवन का, कि मैं बोला कि मुझे यूपीएससी करना है, क्योंकि मन में हमेशा ऐसा लगता था कि अपने में पोटेंशियल है तो कुछ बड़ा करना है। अच्छा। इसलिए फिर मैंने यूपीएससी करना है। हाँ। ऐसा सोचा था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरा प्रेफरेंस पहले से था। हाँ। और मेरे जीजू ने भी बोला, फिर वो भी बहुत खुश थे क्योंकि उनको भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो फिर
तब सोचा कि क्या मतलब कौन सी स्ट्रीम लेना है, तो बीकॉम स्ट्रीम एक वो भी पढ़ाते थे तो हमने बीकॉम ले लिया। ग्रेजुएशन में मैंने यूपीएससी नहीं किया, फिर वो पढ़ाई छूटी गई ग्रेजुएशन के चक्कर में। फिर जब ग्रेजुएशन होने के बाद यूपीएससी करने के लिए गया तो मैंने पुणे में एडमिशन किया, लेकिन वो भी 10 महीने वहाँ पे मैंने बर्बाद कर दिए। पैसा अलग बर्बाद हुआ, क्लास की फीस अलग हो गई। फिर वो छूटने के बाद कोरोना पीरियड आ गया। कोरोना पीरियड में ऐसे लगा कि पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन वही मस्ती मजाक ये वो 1.5 साल वैसे ही बर्बाद हो गए। फिर करना क्या है, तो फिर तब प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया। सोसाइटी से अलग प्रेशर आता, वो तो बातें बोलते हैं, दोस्त लोग अपने आगे चले जाते वो अलग प्रेशर रहता। तो फिर करना क्या है, तू मेरे दीदी ने बीकॉम बैंकिंग की थी, वो भी बीएससी पढ़ी थी, तो उसने बोला कि तू बैंकिंग कर, बीएस में जा। तो फिर मैंने वैसे डिसीजन लिया और मैं एक दिन ऐसे खुद निकल गया घर से कि चल पहले मुझे इंक्वायरी करने है बीएस में जाके। मैं आया बीएस आया, इंक्वायरी की, तभी मुकुंद भैया ने बोले कि अगले हफ्ते से ही डेमो लेक्चर है, तू ज्वाइन कर। मैं अभी भी श्योर नहीं था कि मुझे बैंकिंग ही करना है करके, क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका था। हाँ, और मैं अभी पैसे घर पे नहीं मांग सकता था, ऑफ कोर्स, कि और क्लास की फीस कैसे भरूं, क्या कर। तो फिर मैंने एक हफ्ता डेमो लेक्चर किए, फिर उसी रात को फिर खाना खा रहे थे घर पे, हम सब बैठ के खाते हैं। तो फिर ऐसे बोला मम्मी को, पापा से तो मैं डायरेक्ट ऐसे कुछ बात नहीं करता, तो मम्मी को बोला, मम्मी क्लासेस से आता फीस भराई, हाँ फीस भराई, फीस भराई है, तो अभी क्या करूँ। तो मम्मी बोले तुझे करना है ना, बोले तो बोले हाँ करना है, तो ठीक है बोले भर दे बोले। तो फिर मैंने पापा हाँ ही बोलते, पापा ना कभी बोलते नहीं, तो फिर ठीक है बोले। तो अगले दिन मैंने फीस जमा कर दी और मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली। क्लासेस ज्वाइन करने के बाद एक माइंडसेट ऐसा था कि एक साल में कोई भी एग्जाम अपन क्रैक नहीं कर सकते, बल्कि सर ने पहले दिन बोला कि तुम 6 महीने में भी क्रैक कर सकते हो, लेकिन अपना ऐसा था कि नहीं, एक साल तो भी लगता होगा, अपन पहले प्री पे फोकस करेंगे, फिर मेंस पे फोकस करेंगे, इसलिए फिर प्री करेंगे ऐसा। तो क्लास में जो भी पढ़ाते थे वो डेली मेरा कंप्लीट रहता था, मैं अब्सेंट भी रहूँ फिर भी मैं कंप्लीट ही रखता था। सर मैं आपको थोड़ा सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, आप मैं चाहता हूँ ये स्टोरी पूरी डिटेल में बताएं कि आपने प्रिपेयर कैसे किया, जिससे ना जो बच्चे फिलहाल बीएस में पढ़ रहे हैं उन्हें भी एक डायरेक्शन मिले, पढ़ने का एक कॉन्फिडेंस आए पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ना पड़ता है, और शायद वो भी आपको फॉलो कर पाए। सर इसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ सर, कि जिंदगी में अगर बेस्ट करना है ना, तो अगर कुछ स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए बेस्ट रहने की जरूरत नहीं है। हमें बेस्ट बनने के लिए खाली स्टार्ट करना जरूरी है। तो उस वक्त हमें कुछ भी नहीं आता, मतलब मेरी पढ़ाई छूट गई थी, तो अभी क्या करना है, तो तब टेबल्स भी लर्न नहीं थे। तो जो कैलकुलेशन स्पीड लाने के लिए जो हम रोज टेबल्स लिखते थे, बहुत ईमानदारी से लिखते थे, कुछ कुछ लोग कॉपी करते हैं तो ऐसे नहीं, तो हम टेबल्स लिखते थे, प्रैक्टिस लेते, कभी कभी सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते बीच में से, ये इसका ये बताओ, वो अलग मजा आती थी। के लेक्चर में अलग डर रहता था कि सर उठाएंगे, इसका रीजन बताओ, ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आती थी। तो वो प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई थी, अरिथमेटिक का बहुत अच्छे क्लासेस हुए थे, जो भी मतलब एक शेड्यूल था, प्रॉपर शेड्यूल में हमारा कोचिंग हुई थी, कंप्लीट हुआ। लेकिन हम एक प्री माइंडसेट, मतलब प्री निकालना यही माइंडसेट से रखे थे। फिर जब हमारी बैच खत्म होते हुए मेरा सबसे पहला पेपर आया था आरबी असिस्टेंट का, वो दिया था मैं, उसमें मेरा स्कोर बहुत मतलब अटेम्प्ट बहुत अच्छे थे, तो मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि अपन कर लेंगे, कर सकते प्री कर सकते इस साल। तो आरबी असिस्टेंट में अटेम्प्ट अच्छे थे, लेकिन नहीं निकल पाया। फिर बाद में ESIC UDC का पेपर आया था, वो पेपर दिया था, उसमें प्री पहले झटके में प्री निकल गया था, राइट। मेंस दिया, लेकिन मेंस के लिए मैं प्रिपेयर ही नहीं था, वो पहला मेरा मेंस था। हाँ। और मुझे पता भी नहीं था कि मेंस में क्या रहता है, बराबर। और ऊपर से वो समर का टाइम था, तो मैं क्लास में भी नहीं जाता था, तो कुछ भी नहीं पता था। तो फिर क्या करना है, तो जो एक समर का टाइम चल रहा है, मतलब 1.5 महीने की गैप हो गई थी बीच में, फिर अभी क्या करना है, तो मैंने मेरे एक दोस्त को कहा तू क्या कर रहा है, तो बोले क्लास में आ जाता हूँ, बोले हाँ क्या, बोले तो मैं भी आता हूँ, बोला। तब मुझे पता चला कि प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी चालू है करके, और मैं उस दिन बैठा तो जो बच्चे मेरे से पीछे थे, हाँ। वो मतलब उनका पहले हो रहा, 20 मिनट में उनके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, मेरे
6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हुए थे, मतलब जहाँ पे टेबल्स लिखते वो सब लोगों के 5 मिनट में कंप्लीट हो रहे, वहाँ पे मेरा टेबल्स भी लिखने नहीं हो रहे थे। बोला नहीं ये बहुत बड़ी बात है, बोला अभी यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो तब मैंने बहुत पूरा कंटिन्यू किया था, रोज क्लास में आके बैठता था, प्रैक्टिस बैग में स्पीड मैथ्स के प्रॉब्लम क्वेश्चन होते थे, अरिथमेटिक क्वेश्चन होते थे, इंग्लिश के अलग अलग पैसेज देते थे, ग्रामर वगैरह ये सब होता था, उसके एनालिसिस होता था, उसमें बहुत मजा आता था। हर एक का कुछ ना कुछ कोई बच्चे अलग अलग आंसर, सर ये मेथड एक अलग है, तो वो दोस्तों से भी बहुत अच्छी मदद हुई। तो फिर बाद में मेंस के लिए हम कंटेंट जो है, मतलब एक्चुअली नहीं कि प्रॉब्लम बच्चों का ऐसा रहता है कि कंटेंट नहीं मिलता, ऐसे सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आज भी बोलता हूँ कि बीएस की अपनी जो बुक्स है सर, इससे अच्छा कंटेंट नहीं है सर। बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बनाने के लिए इसको 10 साल लगे, हमें पता है हमने इसमें क्या पुट किया हुआ है। मेरी जब बैच चालू थी ना, तब मैं खुद जाके सर ऑफिस से नहीं गया सर, पीडीएफ लेता था। हाँ। बुक्स नहीं आई है तो पीडीएफ दे दो, हम पीडीएफ से करते हैं। राइट। हम मैं पीडीएफ से करता था सर। हाँ। मतलब मैं अगर 2:30 बजे क्लास छूटा है तो मैं 5-6 बजे तक सोता था, तो मैं रात में 2-3 बजे तक जग के पढ़ाई करता था, जो भी होमवर्क मिला है वो कम्प्लीट करता था। वो एक अच्छे मतलब वहाँ से बहुत अच्छा फाउंडेशन बना मेरा। फिर इंग्लिश में मैं थोड़ा वीक था, उसमें सर ने बहुत मदद की। मैं हर मतलब 10 बजे अगर 10:30 बजे क्लास रहता, मैं 10 बजे अगर पहुंचा तो मैं सर आने का वेट करता था कि ये सर आज एक एरर ये नहीं समझ रहा है। हाँ। मैं जाके सर से पूछता था। हाँ। वो एक अलग ही मजा था। फिर मेंस के जब हम ये जो अगले साल में जब मेरे पूरे प्री क्लियर हो गए, मेंस के लिए अपियर हुआ, लेकिन मेंस में एक्सपीरियंस मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं आता। मुझे याद है कि मतलब मैं जब मॉक दे रहा था, मतलब 4 दिन में पेपर है IBPS PO का। हाँ। बाकी RRB का कैसे सर मैथ्स में मार्क्स मिल जाते, वो लेवल थोड़ी कम रहती, लेकिन IBPS PO की लेवल बहुत अलग रहती। मैं मॉक दे रहा था, मॉक में मार्क्स ही नहीं आ रहे थे, मैथ्स में 4 या 5 मार्क्स रहते थे सर। मैं आपके पास आया था तब सर ने आपने हंस के बोला था कि 4 दिन बाद पेपर है। हाँ। तुम अभी आ रहे हो, अपन क्या कर सकते हैं अभी। और वो जो मॉक रहते हैं वो उनके हिसाब से सेट करते हैं, उनका बेंचमार्क अलग रहता है। right. वो डराने के लिए भी रह सकता है, मतलब दैट इज अ कमर्शियल पार्ट, यू कांट डिसाइड दैट। आप वहां से डिसीजन नहीं ले सकते कि मॉक टफ गया मतलब मेरा मेन वाला भी टफ जाएगा। राइट। फिर तो फिर सर वहां से थोड़ा मतलब एक ऐसा लगा कि ठीक है अपन देख लेंगे। और उस साल में जब पेपर दिया तो IBPS में एक्चुअली 1 मार्क कट ऑफ था, और मुझे उसमें मुझे 13.75 मार्क्स थे। अरे अच्छा। अरे ओके। तो लेकिन खाली रीजनिंग मेरा बहुत बेकार गया था, मैंने गलतियां कर दी थी, मतलब आपने बताने के बावजूद भी मैंने वही गलती की थी। हाँ। मतलब पहले पेपर एक बार चेक करो, 5 मिनट में तुम पेपर देख के आओ कि क्या क्या छूट, ओवरलुक कर लो, ओवरलुक कर। हाँ। लेकिन मैंने वो नहीं किया था, मैं पहले ही एक अपने स्ट्रेंथ या फिर ये क्वेश्चन अपन ने करना चाहिए, मार्क्स नहीं चेक कर, मैं ईगो में चले जाते हम। हाँ, वो एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और वहीं पे कोरोना आ गया था, मुझे मेरा पेपर में खत्म हो गया करके। लेकिन बाकी थोड़ा अच्छा आ रहा था इसलिए फिर मैंने सॉल्व कर लिया। हाँ, तो फिर एक अच्छा था। फिर ऐसे पेपर होते रहे, मतलब वो जो सितंबर अक्टूबर का जो महीना रहता है सर, वो एक अलग ही प्रेशर रहता है। वो एकदम अपने लिए दिवाली रहती है कि ये हर सैटरडे अपन सेंटर पे जाते हैं, हर सैटरडे को सेंटर, प्री या तो मेंस, राइट। तो बहुत मजा आती है। और वो अलग फेज है, मतलब एक बात कहते हैं कि स्ट्रगल करते वक्त एंजॉय मत करो, स्ट्रगल को एंजॉय करो। वाओ। तो उसमें हमको बहुत मजा आता था, मतलब हम अगस्त महीने की राह देखते हैं कि कब अगस्त महीना आएगा, कब अपना सीजन चालू होगा। राइट। एक बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वहां से उस साल में सर मेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं थी हमारी। हाँ। मतलब प्रिपरेशन नहीं थी तो GA वगैरह कैसे करें, मतलब वो एक हफ्ते में हम कैसे कर ले, तो वो नहीं जमा। फिर मार्क्स GA में ही कमाए, बाकी इसमें अच्छे आते तो GA में मार्क्स कमाते थे हमें। तो वो साल वैसे ही मेंस रह गए। हाँ। फिर अगले फिर वो वक्त हमने सर से बात की, आपसे बात की सर। हाँ। थोड़ा आपने सर मेंस की बैच लगाई थी, प्रैक्टिस बैच लगाई थी, और वो बैच में बहुत मजा आया। एक्चुअली में इतना मजा आया था ना, मतलब सब एक तो पूरा कचाकच पूरा भरा रहता था, ऊपर से फिर ये कोई अलग आंसर निकाल रहा था, वो अलग कोई तो क्वेश्चन समझ ही नहीं रहे थे, लॉजिक ही नहीं पकड़ सकते। हाँ। और आप फिर अलग ही एक नया लॉजिक बता रहे। हाँ। ये तो हमारे दिमाग में ही नहीं आया। तो फिर वहां से जो कंटेंट मिला, फिर उसको आप जो बोलते थे कि घर जाके 2 बार प्रैक्टिस करो, वो एक अलग मजा, मतलब उससे इतना फायदा हुआ ना सर, बहुत मजा। मतलब एक्चुअली हम अवेयर नहीं थे मेंस के क्वेश्चन से, क्योंकि प्री और मेंस में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। फिर वहां से बहुत बहुत हेल्प हुई सर, हमने पूरे बैच कंप्लीट की थी। वो फिर वही डेली मतलब जो प्रैक्टिस करना है वही करना करते करते आखिर में मिलने चालू हो गए जॉब्स। हाँ सर। राइट। चलो ग्रेट।
सर आप क्या एडवाइस करना चाहोगे बीएस के स्टूडेंट्स को और जो एस्पायरेंट्स हैं उनको? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले प्रायोरिटाइज करो कि अपने को करना क्या है। मतलब लोग, बहुत से लोग नहीं क्या क्लासेस लगाते लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको करना क्या है, वो आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले उन्होंने सोचना क्या कि हमें करना है, फिक्स करो, फिर डिटरमाइन करने के बाद नहीं क्या वो पूरा एग्जीक्यूट करो प्लान। हम बोलते हैं कि हमारा डिसीजन गलत है, तुम्हारा डिसीजन गलत नहीं है, तुम्हारा एग्जीक्यूशन गलत है। वाओ, एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। करेक्ट। और फोकस रहो, क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन आते ना, हम क्लासेस लगाते हैं, क्लासेस में हर कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, बहुत से डिस्ट्रैक्शन आते हैं। दोस्त, और दोस्त अपने बनते हैं ना, तो अपन दोस्तों के साथ वो बहाव में चले जाते हैं। कितना भी सर मोटिवेट कर ले, लेकिन क्लासरूम से बाहर जाने के जो डोमेन चेंज होता है, राइट, तो क्लास तक के वो पूरा सीमित रहता है। हाँ। एक बार वो एटमॉस्फेयर टूट गया पर हम लोग बच्चों में चले गए तो फिर हंसी मजाक में सिर प्रेशर हट जाता है, राइट। वो कहते हैं सर, मतलब मोटिवेशन 10 मिनट तक रहता है, मेरे एक दोस्त ने बोला था मोटिवेशन 10 मिनट तक रहता है, इंस्पिरेशन 20 मिनट तक रहता है। तो बोला भाई करना क्या है, बोले डिसिप्लिन, तुम डिसिप्लिन में रहे तेरा सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने यही कुछ फॉलो किया था, और स्टूडेंट लोगों से यही बोलूंगा कि डिसिप्लिन रहो, डिटर्मिनेशन फॉलो करो, तुम डिवोशन रखो खुद में, डेडिकेशन रखो, और ये सब करते वक्त नहीं कि तुमको एनर्जी लगती है, तुम उस पर फोकस करो। क्योंकि बहुत लोग खाना वगैरह मतलब बहुत कम खाते, मतलब मैं भी मेरे पीक पीरियड में जब था तो कैसे नींद आती तो मैं कम दो ही तीन ही रोटी खा के जाता था। तो ऐसा नहीं नहीं, मेरे लिए सर वो भी कम है, क्योंकि मैं I'm sorry for this, मैं हंस रहा हूँ, बट नहीं मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि he is the guy कि जब भी मेरा बर्थडे होता है तो मेरे सारे केक ऑलमोस्ट यही खाता है, वहाँ पे 15-20 केक कटते हैं, इसमें से आधे यही खाता है, इसलिए मुझे एकदम इंसिडेंस याद आ गया, इसलिए मेरे चेहरे पे स्माइल है। सॉरी, आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। हाँ, कम खाना से शुरुआत करते हैं हम लोग, आगे बढ़िए प्लीज। तो लेकिन ऐसे वक्त मैं बाकी चीजें मतलब अंजीर वगैरह ऐसे मतलब कुछ ड्राई फ्रूट्स प्रेफर करता था। तो मतलब आप डाइट से लेके चीजों को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो ऐसे मतलब मैं कहना चाहूँ कि ये सब स्टूडेंट लोगों ने फॉलो करना चाहिए। ओके, ग्रेट। तो ये थी जर्नी आपकी। सर मैं जी, इसमें आपकी एक चीज़, सबसे पहले तो मुझे आपके पेरेंट्स से ज़रूर मैं मिलूंगा इस चीज़ के लिए, और ये मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपके पेरेंट्स की भी मैं फोटो ज़रूर डालूंगा। हाँ सर। और ये सबसे बड़े, आपसे ज़्यादा तो पेरेंट्स आपके इंस्पिरेशनल है, जो मैं चाहता हूँ इस वीडियो से हर तक पहुँचे कि ये व्यक्ति, अब मुझे बताइए कौन है ऐसा व्यक्ति जो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं। ऑफकोर्स आप पे अगर कोई दाव खेल रहा है, आपके फादर आपके दाव खेल रहे हैं, तो उन्हें शायद आपका भी नेचर पता है कि आप उनके दाव खारिज नहीं होने देंगे। मोस्टली क्या होता है, बच्चे सेल्फ डाउट में चले जाते हैं या गिल्ट, सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं कि मैंने मेरे पापा का इतना पैसा वेस्ट कर दिया तो अभी मुझे वही करना चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो, ये जिंदगी का सवाल है। पैसा बाद में कमाया जा सकता है बट वक्त नहीं आएगा वापस। सो वक्त को सही से यूटिलाइज करिए, जैसे सर ने भली स्विच लिए बट एक बार फिक्स किया। मैं आपको सर की एक बात और बताना चाहूँगा, और जो अभी हम लोगों ने एक इंटरव्यू और देखा था सुमित सर का, जो इसके पीछे पहले बार आए थे, वो थे पहले जिन्होंने बीएस में गणपति बिठाना शुरू किया था, और ये थे जिन्होंने शुरू करने के बाद आगे बढ़ाए हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर त्यौहार बनाए हुए हैं। जैसे इन्होंने अभी शब्द कहे कि स्ट्रगल में एंजॉय मत करो, स्ट्रगल को एंजॉय करो, ये वही व्यक्ति है कि इनके चेहरे पे कभी वो खराब मतलब सैडनेस नहीं था कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। दे वर ऑलवेज हैप्पी। आई एम रियली हैप्पी कि ये बात रिकॉर्ड हुई आज हमारे चैनल पे, कि ये बात आपने बहुत सही कह दी। आई होप इससे भी बच्चों को चीज़ें समझ में आए। सो जस्ट गेट डिसिप्लिन, फॉलो योर टीचर्स एंड प्रॉपरली आप बस स्टेप बाय स्टेप चलिए। वन डे विल कम, द डेस्टिनेशन विल बी जस्ट विथ यू। सो थैंक यू सो मच सर, आपकी इतनी अच्छी जर्नी आपने बताई। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, जिसकी राह शायद आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स ने देखी होगी। जिस दिन आपका रिजल्ट लगा उस दिन घर पे क्या हाल थे? फिर सर सबसे पहला मेरा जो पॉजिटिव रिजल्ट आया वो 1 जनवरी को आया था आरआरबी का। हाँ। उस दिन मतलब मम्मी ने ऐसे कहा कि बोलने वाली थी मुझे मम्मी ने बाद में कहा, रिजल्ट आने के बाद जब मैंने मम्मी को कॉल किया कि निकल गया, पेपर निकल गया है आरआरबी का, तो वो खुश हो गई। हाँ। ठीक। फिर वो मुझे यही बोली कि मैं आज बोलने वाली थी कि अभी देख ले कुछ जॉब वगैरह कर सकता है तो। अरे, हाँ। तो उसी दिन रिजल्ट आ गया, वो इतनी खुश थी। हाँ। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने तब पापा को फ़ोन किया सेकंड कॉल, तो पापा खुश हुए, वो बाजार में थे। हाँ। वो खुश हुए। फिर
पापा को ज्यादा पता नहीं, मतलब क्या एग्जाम, मतलब क्या इतना कुछ पता नहीं है, घर में वैसे ही हाल है हमारा। तो फिर अगले दिन पापा बोलते कौन सी एग्जाम निकाली, तो मैं बोला आरआरबी की, ये गवर्नमेंट एग्जाम है क्या, बोले अरे बाप रे। अच्छा। मैं बोला हाँ, बोला मैं जितने भी एग्जाम प्रिपेयर कर वो पूरी गवर्नमेंट एग्जाम और गवर्नमेंट जॉब लगी। तब तो पापा और ज्यादा खुश हो गए। अरे वाह। हाँ। फिर वो so एक अलग माहौल होता। फिर तब मतलब पापा कैसे वेट कर रहे थे, कभी वो उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन मम्मी कहती थी कि पापा वेट कर रहे, तू इतने फॉर्म भरते, बोले तू कैसा करता, बोले मतलब कब रिजल्ट लगेंगे, बोले इतने साल से तू फॉर्म भर रहा, मतलब रिजल्ट कब लगेंगे, बोले। तो वो आरआरबी का रिजल्ट आने के बाद फिर पापा को मैंने यही बोला, पापा अभी और रिजल्ट बाकी है। अरे वाह, नाइस। तो बहुत उस दिन से घर में बहुत अलग माहौल। आपके कितने रिजल्ट्स आए हुए हैं, क्या अभी फिलहाल है? अभी सर आरआरबी का एक आया। हाँ। वो रिजल्ट पॉजिटिव आया। बाद में सर आईबीपीएस का आया। हाँ। वो भी पॉजिटिव आया। और आरबीआई असिस्टेंट का सर मेंस दिया हुआ, खाली फाइनलिस्ट लगने के, मतलब एलपीटी भी हो चुका है। हाँ, सब हो राइट, मतलब आरबीआई असिस्टेंट के भी चांसेस है। हाँ। राइट, वो भी हो ही जाएगा इंशाल्लाह, वो भी निकल जाए आपका एग्जाम। सो ये भी दिन देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। इन्होंने अभी जो बोला बहुत मजा आता था, इनका बहुत एक अच्छा एटीट्यूड था कि जब इन्हें सवाल नहीं आता था तो उसको बहुत पॉजिटिव लेते थे कि यार इसको आंसर क्यों नहीं आ रहा, और जब आता था इनको जैसे इनके दे एंजॉयड द प्रोसेस। आप भी ऐसा करिए, ये टाइम बहुत अच्छा है, इसको आप पूरी तरीके से यूज़ करिए। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स आ रही है, लाइफ बन सकती है आपकी, आपके घर वालों की, आपके आने वाले फ्यूचर फैमिली की। इस पर पूरा ध्यान दीजिए एंड जस्ट मेक योर फैमिली प्राउड। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, आप पता नहीं कितना डिजर्व करते हो, बट आपके पेरेंट्स ज़रूर डिजर्व करते हैं ये सुनने के लिए कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आप सेटल हो चुके हो, और वो आपके नाम से जाने जाए तो इससे और बड़ी बात कौन सी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू एंड यू हैव टोल्ड अस एवरीथिंग अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर लाइफ। तो ये बहुत इंस्पिरेशन था हम लोगों के लिए भी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। ज़रूर वापस मिलेंगे आपकी नई कहानियों के साथ।